ये है सैमसंग का नया S23 अल्ट्रा। इसके अंदर 200 मेगापिक्सल कैमरा, वर्ल्ड का सबसे फास्ट एंड्रॉइड प्रोसेसर, तगड़ा डिस्प्ले, बट क्या ये इस साल का बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन है? देखते हैं। एक हमको डब्बा भी अलग से मिल रखा है, इसको भी एक सेकंड खोल के देखते हैं। ये है सैमसंग का नया S23 अल्ट्रा। ये कुछ हमारी पुस्तकें हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड सी केबल है, USB टाइप सी टू टाइप सी, और बस। ये है इस साल का S23 अल्ट्रा और ये है पिछले साल का S22 अल्ट्रा। सबसे पहली चीज आप नोटिस करो, इस साल वाले में कैमरा के सेंसर थोड़े बड़े बड़े कर दिए, और जो कैमरे का बॉर्डर भी है ये भी तीनों में बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ऊंचाई में भी बड़ा है, थोड़ा सा साइज में भी बड़ा है। तो अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो भाई कैमरा का लेंस टच नहीं करेगा। पुराने वाले में भाई यहाँ पे एक रेड ऐसे डॉट सी थी, वो गायब होगी। साइड से अगर आप पकड़ पाओ तो बटन में बहुत ही हल्का सा फर्क है, बट पिछले साल वाला काफी ज्यादा कर्व था, इस साल काफी फ्लैट फिनिश आपको देखने के लिए मिलता है, और हाथ में पकड़ने में यूज करने में डेफिनेटली ये नया डिजाइन काफी प्यारा लगता है। और एक चीज और जो आपको शायद दिखने में ना पता चले, बट जो पुराने ग्लास की फील है और जो नए ग्लास की फील है उनमें काफी बड़ा फर्क है। ये नया वाला डेफिनेटली काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी पॉलिश सा फील होता है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है बट मैट फिनिश। और एक और बड़ा चेंज है जिसके बारे में सैमसंग काफी बता रहा था, वो है कि भाई जो पूरा मेटल का फ्रेम और काफी सारे इंटरनल कंपोनेंट्स भी रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाए गए। नीचे की तरफ अभी भी काफी सिमिलर है, USB टाइप सी का पोर्ट, स्पीकर, S-Pen भी सेम है, एक माइक और ऐड कर दिया है, ऊपर की साइड भी पूरी फ्लैट है, राइट साइड में पावर और वॉल्यूम बटन है, एक साइड सिम 1 लगा लो, दूसरी साइड सिम 2 लगा लो, इसमें जो सिम ट्रे वो भी सस्टेनेबल है। और यहाँ पे जो ग्रे सा बैंड दिख रहा है ना, IP68, आपको स्नैपड्रैगन का नया 8 Gen 2 देखने के लिए मिलता है। और ये स्नैपड्रैगन ने भाई गठबंधन करके सैमसंग के साथ मिलकर बनाया, ये पुराने वाले से डेफिनेटली एक अपग्रेड है। बेसिकली थोड़ा सा क्लॉक स्पीड बढ़ा दी गई है, जिससे नॉर्मल स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है और थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन बेटर है। नॉर्मल 3.2 GHz का था, ये वाला 3.6 GHz का, बट भाई परफॉर्मेंस में डेफिनेटली एक फर्क फील होता है भाई, गेम खेलते टाइम भी और नॉर्मल एवरीडे यूजेज में। पिछली बार से 34% ज्यादा CPU और 41% ज्यादा GPU परफॉर्मेंस है, ऐसा सैमसंग बता रहा है। एक गेम लॉन्चर भी है जिसमें सारी गेम्स एक साथ मिल जाती है, गेम नोटिफिकेशन देखने, टाइमलाइन देखनी है, सारी चीजें। तो चलो गेम के लिए देखते हैं। भाई ग्राफिक्स ऑफ कोर्स भाई मैक्स पे अल्ट्रा हम करते हैं, एक्सट्रीम अवेलेबल नहीं है, बट मैक्स पे अल्ट्रा भाई बढ़िया ग्राफिक्स। एक चीज मैं नोटिस करी भाई, इसका ना स्पीकर से ढक जाता है, उंगली से थोड़ा फ्लैट है ना तो इसलिए ढक जाता है थोड़ा सा। हेडशॉट इस साल इसमें वेपर चेंबर भी बड़ा करा है, तो उससे भाई ठंडा ठंडा बढ़िया रहता। एक और बड़ा फीचर मैंने नोटिस करा, जो बड़े बड़े कंसोल के अंदर भाई रेट्रेसिंग आती है, वो ग्राफिक्स होती है ऐसे परछाइयां और छाइयां बढ़िया से दिखती है PS5 के अंदर, Xbox के अंदर और बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड पे, वो सेम चीज इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी एड कर दी गई है। बड़ा दिक्कत यह है कि रेट्रेसिंग चलाएं किस पे वो नहीं मिल रहा, इनमें गेम नहीं मिल रही। तो सस्ते सस्ते गेम पे हमने थोड़ी बहुत शैडो चेक करके देखी, हल्का फुल्का फर्क आ रहा था। कैमरा भी टेस्ट करते हैं, बट सैमसंग का S23 प्लस भी साथ में लॉन्च, वो खोलेंगे और एक डब्बा बड़ा स्पेशल देखते हैं। ओ इसके अंदर भी ये केबल और दो पुस्तकें, ये है पिछले साल वाला वेरिएंट और ये है नया वाला। इन दोनों में सबसे पहली चीज जो आप शायद देख ना पाओ वो है ग्लास की फील, ये वाला काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी प्रीमियम सा फील होता है। और दूसरी चीज वो आप नोटिस करो वो है कैमरा, पहले एक पूरा सा ऐसे पैनल सा बना रखा था बट अब एकदम ही फ्लैट कर दिया है, बैक साइड से पूरा ही फ्लैट है, साइड्स पे हल्का सा कर्व है। और मैं सही बताऊं ये वाला हल्का हल्का जो गोल्डन सा है ये मेरे को पर्सनल से फेवरेट मेरा कलर भी लगा। इसमें भी सेम चीजें सस्टेनेबल मटेरियल से काफी बना रखा है, सिमट्री भी जो थी वो भी सस्टेनेबल, सिम 1 सिम 2 दोनों चीजें इसमें। ये वाला 4 colors में आता है, ये वाला हमारा क्रीम वेरिएंट है, ब्लैक है, ग्रीन है और लैवेंडर। ये सारी S23 पे अवेलेबल है, और सैमसंग की वेबसाइट से अगर आप खरीदते हो तो ऑल रेड, लाइम, ग्रेफाइट, ब्लू सारे कलर, पूरा इंद्रधनुष बना सकते हो। ये डब्बा भी दे रखा है साइड में, पूरा ये वो लग रहा है रिसाइकल्ड, वो शेयर द एपिक। ओ भाई पेन पेंसिल सब रिसाइकल्ड भाई, ये सही लग रहा है। विद द यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल सेव द वन थिंग वी ऑल शेयर द एनवायरनमेंट। अरे भाई अरे बाप रे, पेन ले गया, सही लग रहा है, मस्कत भाई ये देखो। वो भाई मैं ना सस्टेनेबल चेक करना चाह रहा था। एक चीज और अगर आप नोटिस करो, पिछला वाला डिस्प्ले हल्का सा ज्यादा कर्व था, ये वाला थोड़ा कम है। मेरे को पर्सनली एकदम फ्लैट या हल्का सा कर्व होता है वो पसंद आते हैं। और एक चीज में और अपग्रेड है, वो है ब्राइटनेस, 1750 निट्स की ब्राइटनेस इसमें देखने के लिए मिलती है, और ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है डिस्प्ले। इसमें एक WQHD पैनल है, 6.8 inch का डिस्प्ले है, और 1 to 120 Hz के बीच में भाई चेंज हो सकता है, या तो आप अडेप्टिव सेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, हर टाइम 120 Hz सेट करने का ऑप्शन नहीं है। और डिस्प्ले में भी सेम चीजें, आपको भाई S-Pen टच भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक ट्रैक करता है काफी सारी चीजें। और इसके साथ भाई केस
सैमसंग ना इस वाले स्मार्टफोन में पूरे ऐसे फ्लिप केस भी देता है, नीचे एस पेन भी निकल जाता है, यहाँ पे ऐसे एक पॉकेट दे रखी है, तो इसमें आपको ऐसे आधार कार्ड फंसाना हो तो वो कर सकते हो। ये अपने भाई शेरों वेरों की वीडियो, इसमें आप रोटेट कर सकते हो। डिस्प्ले अच्छा है भाई, ऑलमोस्ट बेजरलेस आप बोल सकते हो। हाथ में पकड़ने में एक डिसेंट सा बिल्ड है और साथ साथ एक 5000 mAh की बैटरी है। हमने इसको चलाया तो 1.5 दिन आराम से जाता है। पिछली बार ली ऑन बैटरी यूज करी थी, इस बार ली पो बैटरी यूज करी है। mAh में फर्क नहीं है, एक्चुअल बैटरी बेटर चलती है, थोड़ी सेविंग भी रहती है। वायरलेस चार्जिंग भी है, दूसरे फोन को आप चार्ज कर सकते हो। एंड्रॉइड वर्जन 13 देखने को मिलता है, ये वन यूआई 5.1 के साथ आ रहा है। सैमसंग ने प्रॉमिस करा एंड्रॉइड 17 तक आएगा। एक चीज और मैंने नहीं नोटिस करी, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो आप इसमें क्लॉक हटा सकते हो, क्लॉक का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, या फिर बटन वटन भी कौन से खोलने, यूट्यूब खोलना भाई लॉक स्क्रीन से, तो ये काफी हद तक कस्टमाइजेबल है। और सैमसंग ने एक्चुअली भाई काफी हद तक एक डायरेक्शन चेंज करी, पहले जो टच वेज आता था उसमें भर भर के फीचर आते थे, पर जैसे ही वन यूआई है काफी हद तक एक सिंपल अप्रोच होती जा रही है। और ये सैमसंग के फोन में भी सेम चीज फील होती है कि भाई चीजें ना सिंपल होती जा रही है, और सैमसंग भी काफी एक मिनिमलिस्टिक सिंपल अप्रोच की तरफ जा रहा है। भाई अंधेरा सा लग रहा था वॉलपेपर पे, इस पे चेंज करना होता, इसमें समझ लो जैसे मैंने ये वाला वॉलपेपर खोला, इसमें भाई इसका कलर ना थोड़ा सा अलग सा करना चाहिए हमको, तो कलर में जाएंगे हल्का सा, ओ चेंज कर दिया ब्लू, डन, वो अप्लाई, फ्रेश वॉल्स। और कब से छोटी छोटी चीजें जैसे नीचे की साइड एक एक्स्ट्रा छेद आपको देखने को मिलता है, मैं अगर आवाज सुना के आपको दिखाऊं आपको पता चलेगा। आवाज काफी क्लियर फील हो रही है, और पिछली बार से बेस भी इंप्रूव हो गया, जो क्लैरिटी है वो भी इंप्रूव हो गया, हल्का सा मेरे को ज्यादा लाउड भी फील हुआ स्पीकर में। एक्चुअली अपग्रेड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट जो एक्चुअल स्टोरेज है उसमें भी भाई पिछले वाले में UFS 3.1 थी, इसमें UFS 4.0, तो उसमें भी एक अपग्रेड है। इस बार सैमसंग ने 128GB वाला वेरियंट पूरा ही हटा दिया और 256GB से अपना बेस स्टोरेज स्टार्ट होती है। सैमसंग ने इस बार वातावरण के लिए काफी काम करे, जो डाई यूज करी है वो नेचुरल, अंदर जो ऐसे मेटल के पार्ट वार्ट है वो काफी हद तक नेचुरल है, जो केस बनाया वो भी सस्टेनेबल है। ये डेफिनेटली अच्छा मूव लग रहा है, सारी कंपनीज इस डायरेक्शन में जा रही है, सस्ते में हम भी पेड़ वेड़ लगा रहे हैं। देखो पीछे लगा, इस बार एक प्राइमरी 200 मेगापिक्सल का सेंसर ऐड करा गया है, OIS को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। आओ सारे चेक करते हैं। सबसे पहले एक वाइड में फोटो खींचते हैं, फिर एक 1x में खींच लेते हैं, अपना लेयर्स का लोगो देख लेते हैं भाई, अपना फायर के साथ मिक्स हो रखा है। जैसे कि देख सकते हो भाई दोनों टेलीफोटो वाले सेंसर्स में काफी अच्छी खासी डिटेल है, प्राइमरी में भाई तो नेक्स्ट लेवल चीजें दिखती हैं, और वाइड में भी भाई क्लैरिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील होती है। फोटोज के हमने एकदम जेन्युइन बताऊं, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, सारी चीजों में सैमसंग ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और वो डेफिनेटली फील होता है। दोस्तों मैं पिक्सल की अगर आपको फोटो की नहीं है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगर हम खींचें भाई देखते हैं डिटेल में क्या फर्क आता है। इसको खींचने में 1-2 सेकंड लग जाते हैं। 200 मेगापिक्सल में अगर मैं इतना क्रॉप भी कर रहा हूँ तब भी क्वालिटी काफी तगड़ी है, और भाई फर्क तो है। पीछे हमने क्रिएट लिख रखा है, उसके अगर मैं फोटो भी आपको खींच के दिखाऊं, ये हमने 50x जूम पे खींची है, और इसमें भी जो डिटेल है भाई वो नेक्स्ट लेवल है, फोटो यूज करी जा सकती है। 100x पे स्टिल बोलूंगा कि ऐसा नहीं एकदम ही यूजेबल इमेजेस आती है, बट 50 गुना जूम करने के बाद भी भाई आराम से आप क्लियर फोटो देख सकते हो। बाहर की फोटोज देखते हैं। एक चीज और सैमसंग ने काफी बड़ा चेंज करा है, जो स्टेबलाइजेशन जैसे वो कैमरे के अंदर ना ऐसे लेंस हिलता है धीरे धीरे ऊपर नीचे, उसको डबल बढ़ा दिया गया है। वेंकी भाई पार्कोर टेस्ट कर लिया जाए क्या? एक चीज मैंने नोटिस करी, जो माइक्रोफोन से आवाज आ रही है वो भी काफी अपग्रेड कर दी। पिछले साल 8K 24fps, इस साल 8K 30fps पे आपको देखने में मिल जाता है। 8K इस बार काफी हद तक आप यूजेबल बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी ऐसे डिजिटल स्टेबिलाईजेशन ऐड करेगी, आप एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, जो डिटेल है, जो कलर्स है, वो डेफिनेटली भाई बहुत ज्यादा तगड़े आते हैं। मैंने वीडियो में नोटिस करी, अगर मैं कैमरे को एकदम स्टिल रखूँ ना तो ये एक्चुअली इमेज काफी ज्यादा डिटेल हो जाती है, बट जैसे ही मैं थोड़ा बहुत इसको शेक करूंगा ना लेंस को, तो एक्चुअल भाई लाइट कम हो जाती है फ्रेम के अंदर, तो मल्टीपल फ्रेम्स को जोड़ के वीडियो को काफी ज्यादा ब्राइट बनाता है। और नाइट में भी एक फोटो खींचेंगे भाई, ये वाली फोटो एक्चुअली आप देखोगे आपको लगेगी नहीं, मतलब अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो भाई विंकी भाई आपको दिखेंगे नहीं, बट एक्चुअली जो फोटो आई है भाई इसमें क्या क्लैरिटी है भाई, डिटेल्ड ऐसा लग रहा है भाई रोशनी में खींची हुई फोटो। ये नाइट पोर्ट्रेट भी है और इसमें भी क्वालिटी काफी अच्छी है। अंधेरे में वेंकी भाई ने सेल्फी लिया, अलग मजा है भाई। एस्ट्रोग्राफी हमने ट्राई करी, चंद्रमा को देख के ही व्रत तोड़ेंगे अब तो। सेल्फी में पिछली बार एक 40 मेगापिक्सल का कैमरा था, बट अब एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा ऐड कर दिया भाई। फोटो खींच के देखते हैं, ये वाली नॉर्मल वाली है, इसमें भाई लेयर्स बैकग्राउंड में काफी अच्छा है, और भाई दाढ़ी की जगह मैं सर के बाल भी दिखा सकता हूँ, वो भी भाई बहुत ज्यादा क्लियर है। जो एज डिटेक्शन है, बैकग्राउंड में ब्लर है, जो चेहरे पे चमक है, भाई सारी चीजें फोटोज के मामले में डेफिनेटली किलर स्मार्टफोन है।
एक दो चीजें और भाई, एक्सपर्ट रॉ वाले अगर आप मोड में जाते हो तो आप सेल्फी से भी भाई रॉ फोटोज खींच सकते हो, इसमें एफ स्टॉप और सारी चीजें दिखाता रहता है। और अलग अलग जितने मोड्स हैं, नाइट मोड, पोर्ट्रेट वीडियो, सिंगल टेक, जितने मोड सैमसंग के यूजुअल फोन्स में देखने मिलते हैं वो सारे इसमें ऐड कर रखे हैं। इस बार मेरे को वीडियो में काफी बड़ा अपग्रेड देखने मिला, जैसे बैकग्राउंड में इतने सारे यहाँ पे कलर्स हैं, लेफ्ट में भी कलर्स हैं, यहाँ पे भी कलर हैं, वहाँ पे बीच में भाई लेयर्स के अपने लोगो के अंदर भी काफी सारे कलर्स हैं और लाइट्स भी ऊपर काफी सारी हैं। इन सबको ये एक बार में काफी अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है। और जो OIS भी है, मैं काफी तेजी से इधर उधर मूव कर रहा हूँ, बट एक्चुअल जो फुटेज है वो काफी हद तक स्मूथ आ रही है। इस बार आपको फोटोज में, वीडियोज में डिटेल्स, कलर, स्टेबिलाईजेशन सारी चीजें इम्प्रूव देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, चीजें स्टार्ट करनी है, तो इसका फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों आप यूज कर सकते हो। वीडियोज में अभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने के लिए थोड़ा सा लेंस शिफ्टिंग में इंप्रूवमेंट, हल्का सा जो मिली सेकंड का शटर लैग होता है, उसके बाद जो बिटरेट है, ये सारी चीजें हल्की 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 अगर बेटर करी जाएंगी तो भाई ये वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा बन सकता है। बट भाई अभी भी फोटोज वीडियोज एकदम टॉप ऑफ द लाइन आप बोल सकते हो, और पुराने वाले से एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। मैं एकदम सीधे बताऊं, ये फ्लैगशिप फोन इतने अच्छे हो चुके हैं कि आपको हर साल ऐसा कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं देखने वाला कि भाई प्रोसेसर में एकदम ही 300% बढ़ गई है या फिर कैमरे में एकदम ही कुछ अलग कर दिया। बट फ्लैगशिप्स के अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे कैमरे में इंप्रूवमेंट कर दी गई है, इसके वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट है, फिर डिजाइन में हल्के हल्के से चेंजेस करे जाते हैं, और यही हल्के हल्के चेंजेस हर साल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पुराने वाले से शिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ चेंजेस आप फील भी ना कर पाए। बट अगर आप मार्केट में एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन लेने जा रहे हैं तो ये भाई डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। जो कैमरा है, डिस्प्ले, बैटरी, सारी चीजें एकदम टॉप ऑफ द लाइन आप बोल सकते हो। इस बार एक चीज और बढ़ गई है, वो है इसका प्राइस, 1,24,999 रुपए। 1,25,000 रुपए, ये सस्ता फोन तो नहीं है, प्रीमियम स्मार्टफोन है, और इसमें जो इंप्रूवमेंट्स करी जा रही है उसका आपको प्रीमियम भी देना पड़ता है। भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपको चीज चाहिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको प्राइस भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको एंड्रॉइड वर्ल्ड में एकदम टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन खरीदना है तो ये डेफिनेटली आपका टॉप कंटेंडर होगा। और मैं चेक कर रहा, थोड़े से ऑफर्स और थोड़े से डिस्काउंट्स भी हैं, जैसे S23 को अगर आप प्री बुक करते हो 23 फरवरी तक तो आपको 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको वॉच 4 और गैलेक्सी बड्स 2 दोनों आपको 5,000 रुपए के मिल जाएंगे, साथ में नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी है। तो भाई सारे ऑफर लगा के आपको 40,000 रुपए तक की सेविंग हो सकती है। तो भाई इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, होपफुली आपको अच्छे लगे, तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।